सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 10 छोटा जादूगर जो कहानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। उसका भाग 1 और 2 दोनों ही हमने समझ लिए हैं और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। इस पाठ में बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी एक गरीब और परेशान लड़के को देखते हैं, कहाँ पर, कार्निवल मैदान में, और वे उससे बातचीत करते हैं। वो लड़का बताता है उसके बारे में कि उसके पिताजी तो जेल में हैं देश के खातिर और माँ जो है बीमार है, और लड़का बताता है कि वहाँ मेले में कुछ जादू दिखाकर मैं पैसे इकट्ठे करूँगा ताकि माँ के लिए कुछ खाने के लिए पथ्य ले जा सकूँ। पथ्य मैंने रोगी के लिए जो भोजन होता है उसको पथ्य कहते हैं। और वह लड़का अचानक उनसे बिछड़ जाता है और फिर झूले में से आवाज़ आती है, बाबूजी यहाँ मैं हूँ और छोटा जादूगर। अब देखिए जादूगर क्या कहता है, वह लड़का कहता है उनसे कि ये जो जादूगर है ये क्या तमाशा दिखाता है, इससे अच्छा तो मैं ही दिखा देता हूँ, है ना। और उसके बाद क्या होता है, कोलकाता के वनस्पति उद्यान में लेखक अपनी श्रीमती जी के साथ अपने परिवार के साथ कुछ जलपान कर रहे होते हैं। वहाँ पर वह लड़का पहुँच जाता है और खेल तमाशा दिखाने के लिए बोलता है तो लेखक मना करते हैं। इतने में श्रीमती जी उसको कहती, नहीं नहीं तुम तो दिखाओ। और उन श्रीमती जी को देख करके उस लड़के को एहसास अपनी माँ का होता है और लड़के ने भालू, बंदर, बिल्ली, गुड़िया सभी के तमाशे वहाँ दिखाए। और लेखक जब लास्ट में उस लड़के को छोड़ने जाते हैं तो झोपड़ी में जैसे ही अंदर जाते हैं उनकी माँ की दशा को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंत में क्या होता है, उस लड़के की माँ परलोक सिधार जाती है, शांत हो जाती है। और बड़ी दर्दनाक दृश्य था वह। और ये सारी चीज़ें अपन ने बेटा इस पाठ में पढ़ी हैं, इस कहानी में पढ़ी हैं। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। तो पहले हैं मौखिक प्रश्न। आप जब कॉपी में लिखेंगे ना तो अपनी बुक से पहले उसमें शब्दार्थ लिखेंगे, श्रुतलेख के शब्द लिखेंगे, फिर आप मौखिक प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। मौखिक प्रश्न के बाद लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न के बाद अतिरिक्त प्रश्न और फिर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। पहला प्रश्न है का वाला, लेखक कहाँ खड़े थे। उत्तर है इसका, लेखक कार्निवल मैदान में छोटे से फुहारे के पास खड़े थे। फुहारे मैंने फाउंटेन, बगीचे में जो लगे रहते हैं ना उसके बाद। और ख वाला है, बालक ने अपने पिता के बारे में क्या बताया। इसका उत्तर है, बालक ने बतलाया कि उसके पिता जेल में हैं। ग वाला, बालक की उम्र क्या थी। उत्तर है इसका, बालक की उम्र 13-14 वर्ष थी। घ वाला है, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितनी रकम दी। लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को 1 रुपया दिया। अब ये हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए बेटा, अब है लिखित प्रश्नोत्तर। क वाला है, लेखक कार्निवल के मैदान में बालक की ओर क्यों आकर्षित हुए। इसका उत्तर है, लेखक जयशंकर प्रसाद कार्निवल के मैदान में बालक की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि बालक के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद मैंने दुख, बहुत ज़्यादा दुख उसके चेहरे से, उसके मुंह से दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो धैर्य रखे हुए था, पेशेंस रखे हुए था और अभाव में भी संपूर्णता थी, मैंने उसके पास कॉन्फिडेंस था, है ना। ख वाला है, बालक तमाशा दिखाने क्यों निकला था। उत्तर है, बालक तमाशा दिखाने इसलिए निकला था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे पैसों की जरूरत थी। ग प्रश्न है, लेखक ने किस खेल के लिए टिकट खरीदे और किसके लिए। उत्तर है इसका, लेखक ने उस बालक के लिए गेंद से निशाना लगाने वाले खेल के लिए टिकट खरीदे। घ प्रश्न है बेटा, अपने आप को छोटा जादूगर बताने वाला बालक लेखक से दोबारा कहाँ और कब मिला। उत्तर है इसका, अपने आप को छोटा जादूगर बताने वाला बालक लेखक को कोलकाता के वनस्पति उद्यान में तब मिला जब लेखक अपने परिवार के साथ वहां जलपान कर रहे थे। अंग वाला प्रश्न है, लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने कौन कौन से खेल दिखलाए। उत्तर है इसका, लेखक की पत्नी के अनुरोध पर छोटा जादूगर ने खेल दिखाना आरंभ किया।
जिसमें उसने भालू को मनाने का, बिल्ली के रूठने का, बंदर के घुड़कने का, गुड़िया का ब्याह आदि खेल दिखाए। और प्रश्न चह है, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने छोटा जादूगर से ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, लेखक ने छोटा जादूगर को देखा तो सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। दूसरों को हंसाने की कोशिश करते समय वह स्वयं कांप जाता था। लेखक यह सब आश्चर्य से देख रहा था। तब लेखक ने उससे कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? और अंतिम प्रश्न है छह वाला, जब लेखक झोपड़ी के अंदर पहुंचे तब उन्होंने वहां क्या देखा? उत्तर है इसका, जब लेखक झोपड़ी के अंदर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बालक की माँ मौत के बिल्कुल समीप थी, मतलब मरने ही वाली थी। तो ये प्रश्न उत्तर हमारे हो गए बेटा। इसके अलावा दो या तीन प्रश्न आपको खुद अपनी पसंद के बनाने हैं और उनके उत्तर कॉपी में लिखने हैं। और उसके बाद है प्रश्न तीन, ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे? इसका उत्तर है, क वाला है जो, दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो उत्तर है, लेखक की पत्नी ने बालक से कहा जब लेखक ने वहां से जाने की बात कही, उसको कहा कि नहीं हमें नहीं देखना, तब ये वाक्य लेखक की पत्नी ने कहे। ख वाला है, मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो बालक अपनी बीमार माँ के लिए पैसे जमा करना चाहता था, इसलिए बालक ने लेखक से ऐसा कहा। ग है बेटा, माँ ने कहा कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो बालक ने जब उसका खेल नहीं जमने की बात कही तो उसने लेखक से ऐसा कहा, ये बात उसने बालक ने लेखक से कही। अब है बेटा जीने की राह, ये हम आपको ऐसे बता रहे हैं वर्बली, लेकिन आपको खुद लिखना है। आंख बंद करके दो मिनट आप सोचेंगे ना, अपने आप थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए। छोटा जादूगर के बारे में आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं लिखिए। अभी तो आप ही को सोचना पड़ेगा क्या आ रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। छोटा सा बच्चा था, इतनी मेहनत करके कमाता था, अपनी माँ के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं ना। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करता था और करना चाहता था। आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, आपके जो मन में विचार आते हैं आप एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो बेटा जीने की राह और रचना का संसार, इन सब में से आपको जो आप पसंद आएगा वो एक चीज़ आप एज ए प्रोजेक्ट अपनी कॉपी में अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के बाद लिखेंगे, ठीक है। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि आपको अपने प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने हैं, सबसे पहले शब्दार्थ, फिर श्रुतलेख के शब्द, फिर मौखिक प्रश्नोत्तर, फिर लिखित प्रश्नोत्तर, फिर अतिरिक्त दो या तीन प्रश्न और उनके उत्तर, और उसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क। ये आपका कॉपी का काम है और आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।